कंटेनर बनाने की मशीन, जिसे अल्मोनियम फॉइल कंटेनर मेकिंग मशीन कहते हैं। और आपको बाजार में ये मशीन सिंगल कैविटी, डबल कैविटी और थ्री कैविटी मोल्ड के साथ सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक में मिल जाएगी। और इस मशीन के जरिए अलग अलग साइज और डिजाइन के कंटेनर और प्लेट को बनाना बहुत ही आसान है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। मशीन में एक साइड अल्मोनियम फॉइल का रोल लगा हुआ है और मशीन में लगे डाई के हिसाब से मशीन अपने आप अल्मोनियम फॉइल के बॉक्स तैयार कर रही है। और ऐसे प्लांट को केवल एक ऑपरेटर और दो हेल्पर की मदद से बड़े आराम से चला सकते हैं। तो दोस्तों, पहले इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं और फिर समझते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी, मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और रॉ मटेरियल्स और मशीन कैसे खरीद सकते हैं। तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, मशीन से जो वेस्ट निकल रहा है ये वेस्ट भी बिक जाता है, यानी वेस्ट को भी आधे से ज्यादा रेट पे बेचा जा सकता है। और अगर बात करें अल्मोनियम फॉइल कंटेनर बनाने की मशीन की, तो इस मशीन के जरिए आप 100 के आसपास कंटेनर एक मिनट में बना सकते हैं और आप 8 घंटे काम करके 35,000 से 40,000 कंटेनर तैयार कर सकते हैं। और ये मशीन आपको सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक में मिल जाएगी। ये थ्री फेज बिजली से चलती है और इसके लिए 410 वोल्ट की बिजली की जरूरत होती है, यानी जैसे मशीन की कैपेसिटी वैसा मशीन का प्राइस। और अगर आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तहत आप लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और ऐसे प्लांट के लिए लोन भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, अगर बात करें अल्मोनियम फॉइल कंटेनर के मार्केटिंग की, तो इसका इस्तेमाल लगभग हर रेस्टोरेंट, होटल्स, ढाबा, फूड स्टॉल, सुपरमार्केट, बेकरी शॉप, स्वीट शॉप इत्यादि के द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा तैयार फूड स्वीट्स को पैक और सर्व करने के लिए, क्योंकि अल्मोनियम फॉइल में पैक किए गए खाने को बिना खराब हुए ज्यादा से ज्यादा देर तक रखा जा सकता है। और इस बिजनेस में सक्सेस के लिए आपको मार्केट में थोड़ी रिसर्च करनी होगी। आपको पता करना होगा कि आपके कंपटीटर किस क्वालिटी का कंटेनर बना के किस प्राइस में बेच रहे हैं और इसके लिए आपको होटल्स, रेस्टोरेंट, बेकरी शॉप इत्यादि से कॉन्टेक्ट बनाने होंगे और उनकी रिक्वायरमेंट को पता करना होगा। इसके अलावा आप अपने एरिया के होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को भी अपनी प्राइसिंग और सैंपल दिखाएं और मार्केट के हिसाब से अपना प्राइस सेट करें और शुरुआत में उस साइज और डिजाइन के कंटेनर बनाएं जिनकी डिमांड सबसे ज्यादा है, यानी जो ज्यादा बिक रहा है, और गांव से ज्यादा शहरों में इसे प्रमोट करने की कोशिश करें। वहीं दोस्तों, इस बिजनेस के लिए जो मेन रॉ मटेरियल है वो है अल्मोनियम फॉइल और इसके सप्लायर आपको हर बड़े शहर में मिल जाएंगे, जिनके जरिए आप अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको ये अल्मोनियम फॉइल बाजार में अलग अलग माइक्रोन में मिल जाएगा, जैसे 7 माइक्रोन, 9 माइक्रोन, 11 माइक्रोन इत्यादि, और आप अपनी जरूरत के हिसाब से ये रोल ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको अल्मोनियम फॉइल के अलावा अपने द्वारा तैयार कंटेनर को पैक करने के लिए कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स की भी जरूरत होगी, जैसे कॉर्गेटेड बॉक्स, टेप इत्यादि। दोस्तों, जहां से ये मशीन खरीदेंगे आपको ट्रेनिंग भी वहीं से मिल जाएगी। दोस्तों, आपको इस बिजनेस को शुरू करने में कोई भी दिक्कत आती है या दोस्तों आपको इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।